हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट नाज होम। आज हम आपके सामने एक बहुत ही फेमस रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है बेक पोटैटो रोल। ये बहुत ही इजी है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स में भी, दोनों टाइम ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम आपको रेसिपी बताते हैं। पूरी रेसिपी जानने के लिए आपको मेरा वीडियो फुल तक देखना होगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। तो चलिए फिर रेसिपी पे चलते हैं। ब्रेड पोटैटो रोल बनाने के लिए हम सबसे पहले पोटैटो रेडी करेंगे। ब्रेड पोटैटो रोल बनाने के लिए हमने 4 मीडियम साइज पोटैटो लिए हैं। इसे हमने बॉईल कर लिया है। 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन, 2 ग्रीन चिल्ली और थोड़ा सा धनिया पत्ता। ये हमने जिंजर गार्लिक लिया है जिसे हमने क्रश किया है। पोटैटो को हमने सबसे पहले बॉईल किया है और इसके छिलके उतार लिए हैं, फिर हमने इस तरह से तोड़कर यहाँ पे रखा है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, फिर हम इसे मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले ये जिंजर गार्लिक डालेंगे, 1/2 स्पून सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला हमने बहुत ही कम लिया है और थोड़ा सा हमने ब्लैक पेपर भी लिया है, ये भी हमने एकदम थोड़ा सा लिया है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा पोटैटो अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं इसे इस तरह से मिक्स करना है। अब हम इन सारी चीजों को फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम अनियन को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन लिया है और उसमें 2-3 स्पून ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब हम इसमें अनियन और ग्रीन चिल्ली डालेंगे। धनिया पत्ता को हम सबसे एंड में डालेंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से गले। तो ये हमारा अनियन फ्राई हो गया है। अब हम इसमें पोटैटो डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पोटैटो के साथ 2-4 मिनट तक फ्राई होने देंगे। ये फ्राई होते टाइम हम हीट को मीडियम रखेंगे। ये पोटैटो हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। अब हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट और फ्राई होने देंगे। तो ये हमारा पोटैटो फ्राई हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अलग बर्तन में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये हमारा पोटैटो रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम बेसन घोल लेते हैं। तो पोटैटो तो हमारा रेडी हो गया है, अब हम बेसन का घोल बनाते हैं। घोल बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइज का अनियन लिया है, 1 ग्रीन चिल्ली और थोड़ा सा धनिया पत्ता। हमने 1 कप बेसन लिया है, ये 160 ml का कप है, तो हमने उससे 1 कप बेसन लिया है। इसमें हम 1 चम्मच चावल का आटा भी डालेंगे, चावल का आटा डालने से क्रिस्पी बनता है। इसमें हम 1/2 स्पून सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। मुझे अजवाइन का टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए हम डालते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे बहुत पतला नहीं करना है। हमने बेसन में अनियन डाला है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत लोग नहीं भी डालते हैं। तो ये हमारा घोल रेडी है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से होना चाहिए।
ना बहुत ज्यादा मोटा ना पतला। तो अब हम देख लेते हैं पोटैटो ठंडा हुआ या नहीं। तो ये हमारा पोटैटो भी ठंडा हो गया है। पोटैटो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का वार्म रहेगा तो फिर अच्छे से बनेगा। तो ये हमारा पोटैटो रेडी है, घोल भी रेडी है। अब हम ब्रेड पे चलते हैं। ये हमने 6 ब्रेड लिया है, इसके हम चारों साइड के एजेस हटा लेंगे। तो ये हमने ब्रेड के चारों साइड का निकाल लिया है। अब हम थोड़ा पानी लेंगे और इस ब्रेड को पानी में डुबोएंगे। हम एक ही साइड से पानी लगाएंगे और उसके बाद फिर इसे हम इस तरह से दबा लेंगे। ब्रेड को अच्छे से पानी से भिगोना है। एक बार ये भीग जाए फिर हम इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। हमने इसका पानी निकाल लिया है। अब हम इसके बीच में इस तरह से स्टफिंग करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। ये हमारा एक बन के रेडी हो गया। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। हम आपको एक और बना के दिखाते हैं। हम इसी तरह से दूसरा ब्रेड भी ले लेंगे, इसे पानी में डुबोएंगे और फिर इसे प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से भीग जाए और एक्स्ट्रा वाटर भी निकल जाए। हम इसे एक ही साइड से भिगाएंगे, दोनों साइड से भिगोएंगे तो ये ज्यादा नरम हो जाएगा। फिर इसमें बीच में पोटैटो डालेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। तो ये हमारा 6 ब्रेड रोल बन के रेडी है। इसमें हमारा हाफ ही आलू यूज हुआ है, अभी इसे बाद में बनाएंगे। पहले हम आपको इतना करके दिखाते हैं। ब्रेड पोटैटो रोल को फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल लिया है। इसे हम थोड़ा गर्म होने देते हैं फिर हम फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इस रोल को बेसन में लपेटेंगे। इस तरह से लपेट के डालेंगे। डालते टाइम थोड़ा सावधानी रखिएगा क्योंकि ऑयल बहुत गर्म होता है। एक बार हमारा ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसे हम एक साइड का थोड़ा सा फ्राई होने देंगे उसके बाद पलटेंगे। ये हमारा एक साइड का ऑलमोस्ट हो गया है। हम इसे पलट कर चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हो गया है। अब हम इसी तरह से सारे को पलट लेंगे। इसे हम बीच बीच में एक दो बार पलट के देख लेंगे दोनों साइड अच्छे से पके। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पकोड़ा फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन कलर। इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी को भी निकाल लेंगे। आप निकालते टाइम एक एक करके ही निकालें क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस होता है दो तीन एक बार निकालने में। अब ये सब हम भी निकाल लेंगे जो ऑनियन हमारा इधर उधर गिर गया है। इसे हमने किचन पेपर टॉवल पे रखा है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ऑब्जर्व हो जाए। इसी तरह से हम बाकी को भी फ्राई कर लेंगे।
डालते टाइम और पलटते टाइम काफी सावधानी बरतना होता है, क्योंकि ऑयल गर्म होता है तब आप पे लग सकता है। हम इसे एक एक करके ही निकालेंगे, ये थोड़ा हेवी होता है तो दो तीन एक साथ निकालने में थोड़ा डेंजरस है। तो ये हमारा ब्रेड पोटैटो रोल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा कलर आया है इसका, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा बनेगा। और हमारे वीडियो पे कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो आपने देखा इसे बनाना कितना ईजी है, और अभी इवनिंग का टाइम है तो हम इसे चाय के साथ खाएंगे, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यम्मी है। तो हमारे इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।